नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। आज एक छोटे से वीडियो के थ्रू आपको एक बहुत कमाल का किस्सा सुनाने वाला हूं। खासकर राइटर्स और एडिटर्स के लिए ये समझने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। एक बार महेश भट्ट नाजायज़ नाम की एक फ़िल्म बना रहे थे, तो उन्होंने जब उस फिल्म को अपने माइंड में कंसीव किया तो मुझे और एक दूसरे असिस्टेंट को बुलाया। नोवोटेल होटल जो अभी पहले हॉलीडे इन था, हम सुबह 7 बजे वहाँ पहुँचे। वो सुबह 7 बजे स्क्रिप्ट सेशन किया करते थे। उन्होंने हम लोग को कहानी नरेट की और बोला कि मैं जो तुमको नरेट कर रहा हूँ, तुमको वन लाइन के फॉर्मेट में मुझे पूरा स्क्रीन प्ले, एक एक चीज़ जो मैं तुमको नरेट कर रहा हूँ कोई मिस नहीं होना चाहिए, वो लिख कर लेकर आओ। तो हमने बड़े केयरफुल तरीके से उसको सुना। उन्होंने पूरी कहानी नरेट की। उसमें नसरुद्दीन शाह, अजय देवगन, आशीष विद्यार्थी, जूही चावला, बहुत बड़े बड़े कलाकार थे। हम लोग भागे घर, घर भाग के हमने उसको लिखना शुरू किया। जो मेरे साथ असिस्टेंट था वो उड़िया था, तो उसको हिंदी और इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो हमने हैंड रिटन जितनी स्पीड से लिख सकते थे लिखा। प्लस चैनल के ऑफिस में भट्ट साहब के पास आए, 2 घंटा लेट हो गए। भट्ट साहब ने बोला आप लोग लेट हो गए, तो सॉरी सर, हमको लगा आप नौकरी से निकाल देंगे। बोले चलिए पढ़ना शुरू कीजिए। मैंने पढ़ना शुरू किया, ये 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 करते रहे। वो ऐसा उनकी स्टाइल है, ऐसा हाथ ऊपर रख के बैठते हैं, पैर ऊपर रख के बैठते हैं, पैर हिलाते रहते हैं। उन्होंने कहा कि तुम लोगों ने 11 सीन मिस कर दिए हैं। बोला नहीं सर, 11 सीन पॉसिबल ही नहीं सर। बोला नहीं, तुमने मिस कर दिया। तो वो वाला सीन कहाँ है जो वो फोटो बनाता है, उसमें रंगोली से बनाता है? वो सीन कहाँ है जब उसको 25 नंबर बोला जाता है? वो सीन ऐसे करके उन्होंने 11 के 11 सीन याद दिला दिए। मेरी तो सांस रुक गई, गला सूख गया। मेरे को लगा चलो जबलपुर वापस। तो मैं ला सर सॉरी, हाँ आप राइट बोल रहे हैं, वो मिस हो गए, मैं भी लिख देता हूँ। बोले नहीं, वो लिखना नहीं है। बोले मैंने आप लोगों को नरेट ही इसलिए किया था ताकि ये पता चले कि कौन से सीन्स अच्छे हैं और कौन से अच्छे नहीं हैं। माइंड, ब्रेन उन चीज़ों को डिस्कार्ड कर देता है जो अच्छे मोमेंट्स नहीं होते हैं, माइंड वही याद रखता है जो अच्छा होता है। तो ये एक बहुत बड़ी सीख है। माइंड यानी ब्रेन से बड़ा एडिटर कोई नहीं होता है। आपको एज ए राइटर, एज एन एडिटर ये ध्यान रखना है कि फिल्म में जितना सही है, जितना इम्पॉर्टेंट है, जितने सही अच्छे मोमेंट्स हैं उन्हीं से फिल्म बनती है। आपको पूरी की पूरी फिल्म याद नहीं रहती, सिर्फ अच्छे सीक्वेंसेस ही याद रहते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत कमाल का एक कमाल की सीख थी कि ब्रेन अपने आप एडिट करके कचरा साफ़ कर देता है। और महेश भट्ट ने वो 11 सीन फिल्म में शामिल नहीं किए और स्क्रिप्ट जो फाइनल की तो वो 11 मोमेंट्स, उन्होंने कहा ये इन्फॉर्मेटिव है, इसकी कहानी में उतनी ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे सीक्वेंसेस नहीं है जो दिल को छूने वाले हैं। तो इन 11 सीक्वेंसेस को आपके ब्रेन ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, ग्रास्प ही नहीं किया, इसीलिए वो आपके माइंड में, आपकी मेमोरी में स्टे ही नहीं किए। तो ध्यान रखिए, माइंड ब्रेन सबसे बड़ा एडिटर होता है, और जिसकी एडिटिंग सेंस अच्छी होती है उसकी राइटिंग सेंस बहुत अच्छी होती है। और सिनेमा मोमेंट से बनता है, और वो मोमेंट क्रिएट करते हैं कैरेक्टर। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। जय हिंद।